कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ऐसा है मेरी टंकी भर के सारा गिल्ला गिल्ला हो गया। ये किसका पेड़ है? हाँ, किसका पेड़ है ये? सेम का ही बैट बूट सब ऐसे फेंक रखे। कैसे हो? ये उठाइए डब्बा वाला। ये हवा से आया होगा ना इधर। मम्मी किसका है? कौन सा? ये तो घास हो रहा, मिर्ची इसमें बोलेंगे। अरे जी ये बड़े बड़े टनियन लग रहे। ये सेम है बेटा, ये ना घास हो रखी है। पीछे ना गिर जाइयो। बादल कैसे गड़बड़ कर रहा है, पर ऐसा लग रहा सर के ऊपर ही है, नीचे गिरने वाला। वहाँ ऊपर हमारा सेम का था ना, गाय ने खा लिया था ना। यहाँ से हटाने पड़ेगा। अरे यहाँ पे ना पानी भरने लगा, सेम के पेड़ हो गए। देखो बीज बोए थे। मैं कहा था थोड़े से लेकर आना, दो चार पत्ते। ये कड़ी पत्ते के तो सारे पत्ते ले आया तू। हैं क्या बना रहे कड़ी? उसमें डालूंगी ना, इतने सारे ले आया। कोई नहीं, बारिश बहुत तेज आ गई है। मैं ऊपर गई थी मिर्चे बीज बोने के लिए, पर बारिश इतनी तेज आ गई, भाग कर आई ऊपर से। तो मैं कंघी लेके बैठी हूँ बाल झाड़ने के लिए। सुबह से बाल नहीं झड़े इसके, और मुझे लग रहा है आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगी मैं क्या बोल रही हूँ। बारिश तो बहुत तेज बारिश है, कैसे सुनाऊँ। बहुत तेज बारिश है, एकदम से आई बारिश। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने अभी आपको दिखाई थी इससे पहले, तो मैं गई थी हॉस्पिटल। तो आपको पता ही है मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उनके गले में जो है आराम नहीं हो रहा है। तो परसों की बात है शायद, परसों मैं गई थी मतलब दिखाने के लिए उन्हें। मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी बात। तो डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर दो दिन का देखते हैं, अगर आराम होता है तो ठीक है, नहीं तो कोविड 19 का उसका वो टेस्ट कराएंगे। और जब ये बात सुनते हैं तो दिमाग तो होना ही है, दिमाग सुन हो गया था मेरा, बिल्कुल ऐसा हो गया था। घर का माहौल हमारा ख़राब हो चुका था दो तीन दिन से, क्योंकि ये होता ही है। फिर और इन्होंने सुना तो इन्हें टेंशन बैठ गई दिमाग में, बिल्कुल टेंशन बैठ गई है। उस दिन से ऐसा कर रहे हैं कि मेरे पास मत आओ, मैं मुझे छुओ मत, ये वो। और मैं कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2-2.5 महीने हो गए हैं इनके गले में। तो अगर ऐसा कुछ होता तो पता चलता, 2-2.5 महीने का जो होता है टाइम बहुत होता है, बहुत ही टाइम होता है। और वो है बहम, बैठ जाना, अगर बैठ जाता है इस टाइम तरह का मन में तो वो होता ही है। तो फिर ना खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है, घर का माहौल इतना ख़राब हो गया था। फिर आज मैं इन्हें दूसरे डॉक्टर के पास ले गई हूँ, और अच्छे डॉक्टर हैं वो। तो फिर उन्होंने एलर्जी बताई है कि एलर्जी है, 10 दिन की दवाई खाओ, फिर उसके बाद टेस्ट वेस्ट देखेंगे, मतलब खून जांच करवानी क्या करवानी है वो करवाएंगे। तो अभी 10 दिन की दवाई दी है, तो आज उनका माइंड थोड़ा ठीक हुआ है, अब वो मतलब टेंशन फ्री हुए हैं। और मैं उन्हें समझाती रही ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा नहीं होता, मैं इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ी, जो छोटी छोटी चीज़ों में इमोशनल हो जाती हूँ। इस बारे में किसी से भी मैं बात करूँ तो मैं रोने लग जाऊँ। तो वह है कि बच्चों के सामने नहीं होता इस चीज़ का, इमोशनल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। तो आज मेरे घर का थोड़ा माहौल ठीक है, और अच्छा लग रहा है बात करके आपसे भी। तो मैं आपको पता था, जैसे मैंने परसों बताया था, मैं पाव लेकर आई थी उसी दिन, लेकिन टेंशन इतनी थी, इतना बुरा लग रहा था कि मैंने नहीं बनाया। लेकिन अब बना रही हूँ, लेकिन इन्हें नहीं दूंगी खाने को, बच्चों के लिए बना रही हूँ। कि जब लेकर आ गई थी और घर पे रखे भी हैं तो बच्चे बिना, अगर हम नहीं खाएं कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को तो देना पड़ेगा। तो मैंने लहसुन छील रही हूँ, लहसुन छील लिया मैंने, और आलू भी उबाल के रख लिए मैंने। वड़ा पाव बना रही हूँ, आलू भी उबाल के रख लिए।
तो मैं ऊपर गई थी मिर्चे बीज लेके गई थी मिर्च बोने के लिए, लेकिन एकदम से बारिश आ गई, फिर भागना पड़ा वहाँ से। बाहर आपसे थोड़ी सी बात भी कर रही थी लेकिन बारिश की आवाज़ से सुनाई नहीं दे रहा था, और गुड्डू भी कही थी कि मम्मी मैं भी बात करूँगी, मैं वेलकम करूँगी, लेकिन बारिश की आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। और उधर मैंने मशीन लगा रखी है, कपड़े भी रख दिए और धुलने के लिए, और कपड़े धो चुके हैं। तो पहले मैं इनका नाश्ता बना देती हूँ, और टाइम इस टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम भी 5 बज रहे हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं वड़ा पाव। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, ऐसा है मेरी। आज हमारे यहाँ बन रहे वड़ा पाव, और आप भी खा के देखना, बना के देखना कि कैसे लगे, और लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि वीडियो सही भेजना, लिख के बताना कि आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर अच्छी लगी वीडियो वड़ा पाव अच्छा लगा तो लिख के कमेंट करना, जिससे हमें जिससे आप हमारे दोस्त बन जाए। कह रही मम्मी मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं बोलूंगी, और आप वीडियो में मत आना, आप साइड खड़े हो जाओ। बाय बाय। तो पहले मैं बना रही हूँ इसमें जो वड़ा पाव में चटनी लगाते हैं वो बना रही हूँ। हरी चटनी मैंने कल बना दी थी, और अभी मैं बना रही हूँ मूंगफली वाली सूखी चटनी बनाऊंगी। तो मैंने तेल गरम कर दिया है, और मैं डालूंगी हींग, उसके बाद मैं डालूंगी जीरा, और ये ली है मैंने लहसुन की कलियां है 4-5, और सूखी मिर्च ली है मैंने। और मूंगफली लिए है, इन्हें मैं फ्राई कर लूंगी। हाँ गुड्डो रानी आपको पानी पिला रही है, पानी पी लो, क्योंकि आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इसलिए आप पानी पी लो पहले। वीडियो का टाइमिंग भी देखनी पड़ती है कि लंबी ना हो जाए। मुझे तो अच्छी दिखाई नहीं दे रहा, वीडियो में ही देख लेती हूँ। बस मैं ये जो है इन्हें भून लूंगी, इसके बाद मैं इसे पीस लूंगी, उसके बाद मैं आलू का मसाला बनाऊंगी, फिर मैं आपसे मिलूंगी, थोड़ा सा कट करूंगी वीडियो, क्योंकि फिर मुझे वीडियो का ना टाइमिंग देखनी पड़ती है, लंबी हो जाती है, काटना पड़ता है। हाँ, और क्या होता है, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जो पूरी वीडियो देख रहे हैं मेरी, उनके लिए थैंक यू सो मच दिल से। कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो सिर्फ 30-40 सेकंड वीडियो देख रहे हैं, या 1 मिनट से कम देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, और कमेंट करके चले जाते हैं। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज, हो सके तो वीडियो पूरी नहीं देख सकते हैं तो वीडियो आधी ही देख लीजिए, लेकिन 3-4 मिनट की, 2-3 मिनट की ऐसे देख लो आप, 1-1 मिनट से भी कम की आप देख के जाते हो, सिर्फ मुझे व्यूज नहीं मिलते हैं, और आपका कमेंट जो है वो स्पैम में चला जाता है। और क्योंकि मैं जाती हूँ वीडियो देखने, तो मैं पूरी देखती हूँ, और अगर पूरी नहीं भी देख पाऊंगी कभी, तो मैं आधी जरूर देख कर आती हूँ। इस तरह से ना करिए प्लीज। ठीक है, फिर मिलते हैं अभी तो। और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, लेकिन हुआ क्या कि वो मतलब शोर इतना हो रहा था, नीचे बारिश का भी था और नीचे बच्चों का भी था, तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। यहाँ पे तेल गरम हो गया था, और मैंने इसमें हींग डाल दी है, और फिर मैं इसके बाद डाल दूँगी जीरा, और मैं भी आपको दिखा रही थी। उसके बाद मैंने डाला है सरसों के दाने डाले हैं, तड़के में अच्छा लगता है। और मैं आपको दिखा रही थी कि जो मूंगफली है वो मैंने फ्राई करके रख ली है, वो जब तक ठंडी होगी तब तक मैंने आलू का मसाला तैयार कर लूँगी। मैंने अब डाली है हरी मिर्च, डाली है 3-4 हरी मिर्च डाली है, और कड़ी पत्ते डाल दूँगी मैं, ये ताज़े ही हैं, अभी ही तोड़ के लाए हैं, फ्रेश है बिल्कुल।
कड़ी पत्ता डालो ना, पट पट की आवाज़ आती है, बहुत ही अच्छी लगती है और खुशबू भी अच्छी आ जाती है इसके तड़के से। उसके बाद मैंने डाली है हल्दी और फिर मैं इसमें आलू फोड़ फोड़ के डाल लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, सिर्फ एक आलू लेना है, ज़रा सा फोड़ना है क्योंकि वो मिक्स करते समय ही फूट जाता है। और यहाँ पे हुआ क्या था, मैंने मसाले डाल दिए थे और सोचा रिकॉर्डिंग हो रही है तो देखा रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है। फिर मैंने आपको बताया है मसाले, तो मसाले मैंने डाला है, ये तो मैंने चाट मसाला डाला है, हल्दी डाली है, पिसी मिर्च डाली है, पिसा हुआ धनिया डाला है और नमक डाला है स्वाद अनुसार। बस ये डाल के मैंने मिला लिया है और इसमें मैंने मिला ली है ऊपर से हरा धनिया और ये मिक्स जो है मिक्स आलू का मसाला तैयार हो चुका है। मैं इसे निकालूँ ठंडा होने के लिए। इधर मैंने मूंगफली को भी पीस लिया है और ये सूखी ऐसी ही रहेंगी और ऐसी ही बहुत टेस्टी लगती हैं। और इधर मैंने चाय भी चढ़ा ली है और मैं अभी इसका बेसन का बैटर तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने बेसन में हल्दी डाली है, पिसी हुई मिर्च डाली है, नमक डाला है और हल्का सा मैंने एक चुटकी मीठा सोडा डाला है। और बस मैं इसे अच्छे से मिला के और इसका घोल तैयार कर लूँगी। हल्का हल्का पानी मिलाते हुए मैं घोल तैयार करूँगी और उसे ध्यान भी रखना पड़ता है कि इसके लम्स ना पड़ जाएं। और इस तरह से ही घोल तैयार करना है। और बस मैंने अब उसके जो आलू हैं इनके पेड़े बनाने शुरू कर दिए हैं जो मैंने मसाला तैयार करा था। ये ठंडा हो चुका है बस, ये पेड़े बनाते बनाते इसमें मैं डीप कर लूँगी। और जब मैं इसे डीप कर रही थी तब मैंने देखा कि ये पतला हो गया था, आप देख भी रहे हो ये पतला हो रहा है, एकदम से तैर रहा है। तो एक बार तो मैंने डाल लिया था लेकिन जब मैंने दूसरी बार ये उतारे हैं तलने के लिए तो इसमें मैंने इसमें बेसन मिला लिया था हल्का सा, तो वो अच्छे उतर गए थे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर भी करना, और पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आप देख रहे हो इस टाइम जो मैंने डाला है तो मैंने बेसन मिला लिया था, तो अब इसका जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट बना है। और बस अब मैं फ्राई कर रही हूँ और जब इसे फ्राई करने के लिए तेल में डाल देते हैं तो मतलब जो पलटा होता है उससे मैं तेल इसके ऊपर भी डालती जाऊंगी ताकि ये नीचे तो पकी जाए लेकिन ऊपर ऊपर भी पक जाए, इस तरह से मैं डाल देती हूँ। और सच में बटाटा वड़ा बहुत अच्छा लगा था, इसे बटाटा वड़ा ही बोलते हैं। और बहुत स्वाद लगा था, बहुत अच्छे बने थे ये, तो आप भी एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे लगे। और मैंने भी ये तीसरी बार बनाए हैं, मेरी याद है मैंने तीसरी बार ये बनाया है। तो बस ये इसी तरह मैं सारे उतार लूँगी, एक एक करके मैंने सारे उतार लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं इस तरह से। और ये देखिए किस तरह से लग रहे हैं, बहुत अच्छे कर कुरकुरे से क्रंची से लगे हैं। और बस जो पाव थे, पाव जो था ना ये वो वाले पाव आ गए हैं जो पाव भाजी वाले होते हैं ना पाव, वो हैं छोटे रह गए थे ये, अब वही था ना जब आ गए तब क्या करें। बस मैंने नीचे मूंगफली का वो जो चटनी बनाई थी वो रख दी है, ऊपर धनिया की चटनी है, बीच में रख दिया है मैंने वड़ा बटाटा वड़ा। और ये चटनी मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी, दिखाई भी थी आपको मैंने किस तरह बनाई है। तो ये देखिए वड़ा पाव जो है वो तैयार हो गए हैं, तो आप भी देखिए और एक बार ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसे बने हैं। हमारे तो बहुत टेस्टी बने थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रखिए रहिए, ओके बाय।